वक्त आ गया है हमारी एयर इंडर सीरीज के आखिरी एपिसोड का, और इस एपिसोड का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि अब हम चुनने वाले हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर। स्पोर्ट्स तक पर हम सबका यह मानना है कि अगर इस साल का ये अवार्ड बेन स्टोक्स के अलावा किसी और खिलाड़ी को दें तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। और यहाँ पर स्पेसिफिकली एक बात और हैरान करने वाली है कि बेन स्टोक्स को यह अवार्ड तीनों फॉर्मेट्स के लिए मिल रहा है, लेकिन T20 में बेन स्टोक्स ने एक भी मुकाबला नहीं खेला है। तो ODIs और टेस्ट में उनकी जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज रही हैं उसके बदौलत बेन स्टोक्स ने यह अवार्ड हासिल किया है। और स्पेसिफिकली अगर दो पारियां हम कहें, कुछ इनिंग्स हम कहते हैं कि इनिंग्स ऑफ अ लाइफ टाइम, और बेन स्टोक्स ने तकरीबन एक महीने के अंतर में ये दोनों इनिंग्स खेली। वर्ल्ड कप फाइनल लॉर्ड्स 14 जुलाई को बेन स्टोक्स की अनबीटन 84 रन की इनिंग्स थी जिसने वर्ल्ड कप का फाइनल इतना रोमांचक बनाया और इंग्लैंड पहली बार वर्ल्ड कप जीती। और दूसरी इनिंग्स आती है 25 अगस्त 2019 को, जहां पर बेन स्टोक्स ने हेडिंगली में एक अनबिलीवेबल इनिंग्स खेलकर एशेज में इंग्लैंड को जिंदा रखा। 135 रन नॉट आउट बेन स्टोक्स ने लगाए, इंग्लैंड ने 359 रन चेज करे और एक कमाल का मैच वहां पर जीता। दैट इनिंग्स बाय बेन स्टोक्स इन दैट वर्ल्ड कप फाइनल वाज स्पेशल, बट ही आल्सो प्लेड Another very special innings against Australia in the Test series. 2019 की शुरुआत बेन स्टोक्स के लिए उतनी धमाकेदार नहीं रही थी। IPL में भी उनका प्रदर्शन साधारण सा था और वो खुद से खासा निराश थे। लेकिन फिर आता है क्रिकेट वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप के बिल्डअप में एक शब्द का बहुत इस्तेमाल हो रहा था और वो था 3D। और बेन स्टोक्स ने वर्ल्ड कप के ओपनिंग मुकाबले में दिखाया कि 3D एक्चुअल में होता क्या है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 89 रन्स नॉट आउट, दो विकेट्स और फेलिक्वायो का एक आउटस्टैंडिंग कैच, तीनों डिपार्टमेंट में बेन स्टोक्स ने शानदार प्रदर्शन किया और मैन ऑफ द मैच बने। पूरे टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस जारी रही और फाइनल में भी जब मुश्किल स्थिति में था इंग्लैंड, तो बेन स्टोक्स इंग्लैंड के लिए एक बार फिर से खड़े हुए, 84 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली और कमाल का वो फाइनल मुकाबला हुआ था। और शायद बेन स्टोक्स अगर उस दिन इंग्लैंड के लिए वो आउटस्टैंडिंग इनिंग्स नहीं खेलते, हालांकि किस्मत जरूर उनके साथ थी, लेकिन उनकी जो स्किल्स थी, उनका जो टेम्परामेंट था, उस दिन इंग्लैंड के काम आया और फाइनली इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता। वर्ल्ड कप में बेन स्टोक्स के बल्ले से 11 मैचेस में 465 रन निकले और 7 विकेट्स भी वहां पर बेन स्टोक्स ने ली। बेन स्टोक्स ने पूरे टूर्नामेंट में 5 हाफ सेंचुरीज लगाई और इंग्लैंड की तरफ से वो थर्ड हाईएस्ट रन गेटर थे। अगर ODIs में उनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 2019 में खेले गए 20 मैचेस में बेन स्टोक्स ने 719 रन बनाए, एवरेज था 59.91 का और उन्होंने 7 अर्धशतक जमाए। वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड का अगला मेजर असाइनमेंट था एशेज, और बेन स्टोक्स ने अपना शानदार फॉर्म वहां भी कंटिन्यू किया। लॉर्ड्स टेस्ट में 32 इनिंग्स के बाद बेन स्टोक्स ने अपने शतक का सूखा खत्म किया, लेकिन कहते हैं ना कि बड़े प्लेयर्स अपनी स्पेशल परफॉर्मेंसेस बचाते हैं बड़े मैचेस के लिए। और हेडिंगले में एक मस्ट विन सिचुएशन में इंग्लैंड जहां पर मैच से पूरी तरह से बाहर था, बेन स्टोक्स ने एक अनबिलीवेबल इनिंग्स खेली, 135 रन नॉट आउट लगाए, इंग्लैंड ने 359 रन चेज करे, और चेज कहां से किए जब उनके 9 विकेट्स गिर गए थे और उसके बावजूद वहां पर 73 रन की जरूरत थी। 76 रन की पार्टनरशिप बेन स्टोक्स लगाते हैं जैक लीच के साथ और एक हारा हुआ मैच अपनी शानदार परफॉर्मेंस से पलट देते हैं। बेन स्टोक्स एशेज में इंग्लैंड के लिए हाईएस्ट रन गेटर रहे, और अगर पूरे साल की परफॉर्मेंस की बात करें तो 11 मैचेस में बेन स्टोक्स ने 821 रन लगाए, एवरेज थी 45.61 की, जिसमें शामिल थे 2 शतक और 4 अर्धशतक। गेंदबाजी की बात करें तो बेन स्टोक्स ने 11 मैचेस में 22 विकेट झटके और एवरेज था 35.45। बल्लेबाजी के लिहाज से बेन स्टोक्स 5वें स्पॉट पर रहे एज हाईएस्ट रन गेटर, और गेंदबाजी के लिहाज से वो इंग्लैंड की तरफ से 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर रहे। तो ये थी बेन स्टोक्स की वो कमाल की परफॉर्मेंसेज जिनकी बदौलत वो बने इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और इन परफॉर्मेंसेज ने उन्हें आगे रखा विराट कोहली से, पैट कमिंस से, बाबर आजम से और रोहित शर्मा से। तो ये थी हमारी एयर एंडर सीरीज, जहां पर हमने आपको बताया ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर मानस लबुशेन और इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर ओवरऑल बेन स्टोक्स। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। 2019 में आप सभी लोगों के साथ बहुत मजा आया और उम्मीद करते हैं 2020 में हमारी स्पोर्ट्स तक फैमिली और ज्यादा ग्रो करेगी। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।